राजधानी रायपुर के मास्टर प्लान में आई शिकायतों पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का एक बयान सामने आया। बता दें कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने बयान में कहा कि मास्टर प्लान के संबंध में अनेक शिकायतें मिली थी। जो भी गलतियां और गड़बड़ियां हैं उसके लिए आवास पर्यावरण के अंतर्गत एक कमेटी गठित की गई है, जिसके तहत उचित कार्रवाई की जाएगी और ठीक करने का काम भी किया जाएगा। वहीं प्राइवेट कंपनियों को छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करने के सवाल पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इन्वेस्टर के लिए प्रमोशन का माहौल बनाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। आने वाले 5 साल में DGP को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक बनाने के लिए संकल्पित है। रजिस्ट्री से जुड़े मामलों पर कैबिनेट सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है। गड़बड़ियां करने वालों को सुधार करने की योजना बना रहे हैं। 2 से 3 महीने के भीतर सुचारू रूप से काम चलेगा। मास्टर प्लान के संबंध में अनेक विषय विधानसभा में भी उठे थे और लगातार अनेक शिकायतें भी मिली। अभी मास्टर प्लान के जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो भी गलतियां हैं, गड़बड़ियां हैं, या किसी के द्वारा इंटेंशनली कुछ गलत किया गया हो, उसके लिए एक कमेटी आवास पर्यावरण विभाग के अंतर्गत एक कमेटी उसके जांच का काम कर रही है और जो भी गलत हुए हैं उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और ठीक करने का काम भी किया जाएगा। निश्चित रूप से जब कर प्रणाली में पूरे व्यवस्था में पारदर्शिता आती है, टेक्नोलॉजी आती है और व्यवस्था सुधरता है तो सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसा जाता है, लोगों के जेब में कम पैसा जाता है।